लो भाई अपना बच्चा तैयार हो रहा है भाई। वाह, ओहो हो 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 हो। जोशी भाई अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर आ गई है। नहीं तुम्हारे ऊपर और आधी आधी है ना दोनों के ऊपर, तुम्हारे ऊपर ज्यादा है बल्कि। बड़ी ही समझदारी से हमें इसे लेकर जाना है मेरठ। 6 या 7 घंटे का रास्ता है दोस्तों, और देखते हैं कैसे लेकर जाएंगे इसको। हुआ नहीं हुआ तैयार, खोलो भाई साहब खोलो। ओहो अरे भाई भाई वाह, करंट भाई पूरा है इसके अंदर तो। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बस ये क्या है, नीचे बिछाई जाएगी है? नहीं नहीं, और खाने के लिए। अच्छा खाने के लिए ठीक है ना, कि इसे तो निकाल दो, इसे निकालनी पड़ेगी, ये सिर मर जाएगा जी। हाँ बिल्कुल निकाल लो इसे, ये तो बहुत ज्यादा चोट मार देगी। अच्छा तुमने बांध भी तो दिया होगा ये, अरे यार इसने बांध भी दिया। लो भाई बच्चे भी आ गया, उस साइड से थोड़ा नीचे करो नहीं करो, कोई बात नहीं तुम करो अब काम को। चलो आराम से बस। बहुत प्यार से भाई, बहुत प्यार से। चलो चल बेटे। बस। जोशी भाई थोड़ी हेल्प करो। आराम से चोट ना लग जाए बस किसी के। चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश, हो लिया काम बस। चल बेटे बेटे, और अब आराम से। दोस्तों पहली बार ये बछेरा गाड़ी में लोड हो रहा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, और सच में इतना मैंने नहीं देखा यार इतनी ज्यादा शैतानी करते हुए। तो देखते हैं यार इसको कैसे चढ़ा पाते हैं। सच में सब भाई हेल्प कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा करें क्या जो ये गाड़ी में लोड हो जाए। देखते हैं चलो। दोस्तों अब लोकेशन चेंज करके देख रहे हैं, वहां थोड़ा सा ऊंचा नीचे था, इस बार अच्छी लोकेशन पर लगाएंगे गाड़ी को भी, और देखते हैं कि इस बार आगे से चढ़ाते हैं या फिर इसके मतलब घुमा कर चढ़ाते हैं, पिछले पैरों से पहले चढ़ाएंगे। आराम से पलटना जाओ बस। शाबाश, नहीं तरह पता ही थोड़ी लोटा मगर नहीं रहे लोटा मगर जोर लो रसा कैसे आराम से इधर ना कूद जाए बस ये ध्यान रखना। बस अब तो गोद में उठा के रख दो सच है। हाँ बस ये ओहो। दोस्तों बच्चे को चढ़ाने की कोशिश हमने आगे से तो कर ली थी, लेकिन अब बारी थी इसको पीछे से चढ़ाकर देखने की। छोड़ छाड़। हाँ बस हमें लगा था कि बच्चा प्यार से चढ़ गया है और अब ये शैतानी नहीं करने का, लेकिन फिर ये हुआ। डाला
बांधो। और फाइनली बच्चा गाड़ी में चढ़ तो गया है, लेकिन जल्दी जल्दी हमें बहुत सारी रस्सियां पीछे बांधनी पड़ेगी ताकि वो बाहर कूद ना सके। बस रस्सियां बंध जाने के बाद इसके बाहर कूदने का खतरा तो बिल्कुल टल चुका है। लेकिन दोस्तों उसके कुछ देर बाद ही बच्चे ने अपने साथ इतनी ज्यादा जबरदस्ती की खुलने की, कभी ऊपर पैर मारता कभी नीचे, और आखिर में आकर तो वो गिर ही गया था। और ये उसके बैठते हुए की और आराम करते हुए की वीडियो है, जिसके बाद हमने दिमाग लगाया और उसे गाड़ी से नीचे उतार ही लिया। दोस्तों जो गाड़ी हम लेकर आए थे उसमें तो बच्चा नहीं जा रहा, लेकिन अब दूसरी वैन आ रही है जो खासकर घोड़ों के लिए है, पूरी चारों तरफ से वो कवर रहती है। अब उसमें लेकर जाएंगे, उसमें अपने बच्चे को हम चढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसे इसने बहुत चोट अब मार ली है, क्या पता पूरे रास्ते में कितनी चोटें मारता, तो इसलिए अब दूसरी गाड़ी आ रही है उसमें लोड कराएंगे। ये लो भाई दूसरी गाड़ी भी आ चुकी है और ये तो बहुत ज्यादा अलग है। जोशी भाई इसमें तो चला जाएगा ना यार, बस अब देखते हैं। यार मुझे भी ऐसा लग रहा, पता नहीं कैसे ही जाएगा, इतना ज्यादा मेहनत का काम लग रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं, हैरान नहीं होनेंगे, दो बंदे हैं इसमें गाड़ी में, वो इसकी पूरी देखभाल करने की गारंटी ले रहे हैं। जब तक हम आपके फार्म पर नहीं पहुंचा देंगे ना, आप बेफिक्र रहिए। चलो भाई देखते हैं कहां लगाते हैं और कहां बच्चे को इसके अंदर बिठाते हैं फिर। अरे वाह, भाई खुला रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी कुदने वुदने की? अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो फाइनली दोस्तों दूसरी गाड़ी भी आ चुकी है और आपने देख ली होगी कि इसके अंदर कितनी ज्यादा सुविधा है। हमें पहले नहीं पता था कि बच्चा इतना ज्यादा आलबादी करेगा और इतनी ज्यादा शैतानियां करेगा, वरना हम पहले से ही ऐसी गाड़ी लेकर आते। पर चलो कोई बात नहीं, इसमें गद्दे भी हैं और चारों तरफ से कवर भी है अच्छी तरह से, इसमें से बच्चा कहीं निकल कर नहीं भागेगा और कोई चोट वोट का भी खतरा नहीं है। तो जल्दी से बच्चे को खोलते हैं और इसमें चढ़ाते हैं। तो पाजी यहाँ पर रस्सा तैयार कर रहे हैं उसको बांधने के लिए। फाइनली दोस्तों अब है वो टाइम जिसमें हमें थोड़ी सी टेंशन करने की जरूरत है, लेकिन डरेंगे नहीं, सबका साथ चाहिए होगा इसे गाड़ी में चढ़ाने के लिए, क्योंकि वैसे ही बच्चा पहले डर चुका होगा, पहले एक बार हम ट्राई कर चुके हैं ना इसको चढ़ाने की, अब दोबारा कर रहे हैं तो बच्चे में डर है। अब देखते हैं कैसे चढ़ाते हैं। दोस्तों हम थोड़ा सा दूर खड़े रहेंगे ताकि बच्चे डरे ना। और ये देखें ये भाई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। अब इन दोनों गाड़ी वाले भाइयों की बारी है इसको ऊपर चढ़ाने की। बच्चे के अंदर अभी से इतनी ज्यादा जान है कि ये तीन चार आदमियों से भी खींचता नहीं है। जिस तरीके से हमने इसको पहले पहली वाली गाड़ी में चढ़ाया था, अब उसी तरीके को इस्तेमाल करके हम इसे इस वाली गाड़ी में चढ़ाएंगे और देखते हैं कि हम सफल हो पाते हैं या नहीं। ज्यादा ऊंची यार गाड़ी, उठा लो। गया इस बार तो। तो भगवान की कृपा से हमने बशेरा गाड़ी में लोड कर लिया है और ये भाई इसके साथ हमारे फार्म हाउस तक बिल्कुल खड़े होकर जाएंगे। भाई गाड़ी में लोड कर दिया है अपने व्हाइट बशेरे को और ऐसा लग रहा है कि ये वो बशेरा है ही नहीं, इतने ज्यादा प्यार से खड़ा जैसे गाय खड़ी हो जाती है ना, ऐसे बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। पर चलो ये गाड़ी आगे रहेगी, हमारी पीछे रहेगी। तो दोस्तों हम रात वहां से चले थे और ये देखिए भाई सुबह हो चुकी है और अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं अपने फार्म हाउस पर। पहली बार इतनी दूर से हम एक अपने लिए घोड़ा लेकर आए हैं, ये मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, बड़ा ही तगड़ा एक्सपीरियंस था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हून, ओवर एंड आउट।